कक्षा 8 के सभी छात्रों को फिर से इस नए क्लास में स्वागत है। तो पिछले बार के सेशन में हम सब पढ़े थे कंटके नहीं कंटकम ये चैप्टर, जिसमें हम सब देखे थे कि कैसे चंचल को लोमशिका जो है वो चंचल के ही बिछाए हुए जाल में फंसे हुए एक शेर को फिर से बंदी बनाने के लिए अपने अकल का इस्तेमाल की थी। तो आज हम लोग सदैव पुरतो निलेहि चरणम्, ये जो चैप्टर चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निलेहि चरणम्, चतुर्थः पाठः ये हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है, सदैव पुरतो निलेहि चरणम्, ये जो टेक्स्ट है आप सबके लिए क्लास 8 के रुचिरा किताब में निर्धारित ये जो विषय है ये कविता के तौर पे दिया गया है। संस्कृत साहित्य में कोई भी कुछ भी कविता रचना करना चाहता है, कुछ भी नया नया किस्म का कविता लिखना चाहता है, तो उसमें छंद जो है वो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। वैसे हम सब क्या करते हैं, हम सभी मतलब कि बांग्ला में हो, हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, हम लोग अपने मन ही मन क्या कर सकते हैं, अपना जो एक छंद है, जो प्रचलित छंद है, जो चिराचरित छंद है, जो चलता हुआ छंद है, उसको छोड़ के हम लोग अपना मुक्त छंद जो है बना सकते हैं। कोई भी अपना मुक्त छंद जो है बना सकता है अपने इस में, अपने तौर तरीकों में से वे सब कविताएं लिख सकते हैं। लेकिन संस्कृत साहित्य में अकॉर्डिंग टू संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य में, संस्कृत वाङ्मय में क्या होता है, हम सबको जो भी संस्कृत कवि होते हैं, जो भी संस्कृत में कविता रचना करते हैं, वे सब छंद को बहुत महत्वाकांक्षी मानते हैं, छंद को एक महान स्थान पे रखते हैं। हम सब लगभग इतना उहा पोह से, इतना केस से, इतना इशारे से हम सबको पता चलता है कि या फिर किताबों को देखकर, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पढ़ के हम सबको लगभग इतना मालूम हो सकता है कि सबसे पहला कवि संस्कृत साहित्य में ही हम लोग पकड़ ले, या फिर संस्कृत जो कि आदि भाषा है, सबसे पहला भाषा संस्कृत है, लगभग इंडो यूरोपीय भाषा गोष्ठी जो है उसमें, तो इस दौर में, इस कड़ी में सबसे पहला कवि जो है महर्षि महाकवि वाल्मीकि, उनका रचा हुआ एपिक यानी सबसे बड़ा जो महाकाव्य है रामायण, वहां वे अनुष्टुप छंद का प्रयोग किए हैं, यानी सबसे पहला लौकिक छंद में प्रयोग करना अनुष्टुप छंद, उसमें वे रामायण जो है वो पूरा काव्य उसमें लिखे हैं। और फिर बाद में उससे और थोड़ा सा ज्यादा बड़ा जो महाकाव्य है महाभारत, महाभारत में महर्षि व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास जो छंद लिखे हैं वो भी अनुष्टुप छंद है। बाकी कालिदास, भारवी, भास, माघ, अश्वघोष, भवभूति, ये जितने सारे संस्कृत कवियां हैं, उन सब से लेकर आज तक के जितने भी सारे संस्कृत कवियां हैं, जो सब संस्कृत कविताएं रचते हैं, वे सब कुछ ना कुछ छंद जो है उसको मेंटेन करते हैं, परिपालन करते हैं। संस्कृत में छंद एक बहुत मतलब क्या है, एक ऊंचे स्थान में छंद को रखा जाता है, छंद भंग ना हो, कविताओं में छंद भंग नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सदैव पुरतो निलेहि चरणम् है, असल में ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित एक कविता है, और ये जो कविता है ये कविता संकलन दल जो एडिटर्स हैं, एडिटर्स ऑफ रुचिरा, वे लोग इसको एडिट करके संस्कृत में एक कविता का रूप दान किए हैं। इसमें भी छंद जो है वो मेंटेन किया गया है, छंद बहुत सारे
इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा, फिर मालिनी शिखरिणी मंदाक्रांता, बहुत सारे छंद है। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ एक छंद को जो अभी मतलब क्या है, छंद जानना मतलब एक चीज होता है कि छंद का विषय लक्षण ये सब कुछ जानना पड़ता है, उसके बाद जो है छंद कौन सा छंद कौन से कविता में इस्तेमाल किया गया है ये बोला जाता है। तो अभी उन सब लक्षणों को आगे रखते हुए लक्षण से विचार करते हुए सदैव कुलतो मीते की चर्चा, ये किस छंद में रचा गया है, किस छंद में लिखा गया है, ये सब विचार करने की आवश्यकता अभी कक्षा 8 के बच्चों को जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी संस्कृत कविताएं छंद को मान के चलती है, संस्कृत कविता में छंद को परिपालन करना, छंद को परिपालन करना बहुत आवश्यक है, इसलिए ये भूमिका हम सबको देना पड़ता है। या फिर इससे बात बच्चों को भी थोड़ा सा थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा कि संस्कृत कविताओं में छंद जो है वो बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग का चतुर्थ पाठ, चतुर्थ पाठ क्या है, सदैव कुलतो निधेहि चरणम्। आई विल टीच दिस टोटल चैप्टर सदैव कुलतो निधेहि चरणम् विद माय एंड्रॉइड सेट। हियर आई हैव कलेक्टेड ए पीडीएफ फाइल ऑफ दैट चैप्टर सदैव कुलतो निधेहि चरणम् एंड फ्रॉम देयर आई विल स्टार्ट। सदैव कुलतो निधेहि चरणम् दिस इज द फोर्थ चैप्टर, चतुर्थ पाठ सदैव कुलतो निधेहि चरणम्। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो इससे हम सबको ये साफ पता चलता है कि सदैव कुलतो निधेहि चरणम् इस कविता के कवि है श्रीधर, रचयिता है श्रीधर भास्कर वर्णेकर और ये राष्ट्रवादी कवि है। इतना हम सबको ये जो ऊपर में दो तीन लाइन में रचा गया है इस कविता के पटभूमि के बारे में, इस कविता के नेपथ्य में क्या क्या हम लोग पता किए, श्रीधर भास्कर वर्णेकर सदैव कुलतो निधेहि चरणम् इस कविता का रचयिता है और वे नेशनलिस्ट पोएट, नेशनलिस्ट पोएट राष्ट्रवादी कवि है, ठीक है। और यहाँ पे सदैव कुलतो निधेहि चरणम् इस कविता में हम लोग क्या देखेंगे, इस कविता में हम सब देखेंगे कि राष्ट्र में जो भी हमारे सारे राष्ट्र में हमारे जितने भी सारे युवा हैं, जितने भी सारे किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं हैं, उन सब के जागरण के लिए, उन सबको जिंदगी के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी के हर एक कदम आगे ही बढ़ने के लिए और कभी भी जिंदगी में कोई भी समस्या, कोई भी संकट, कोई भी आपदा आ जाए लेकिन फिर भी ना रुकने के लिए जो उत्साह, जो प्रेरणा, जो मोटिवेशन है वो इस कविता के कण कण में भरे हुए हैं सदैव कुलतो निधेहि चरणम् इस कविता में। यहाँ पे कवि कुछ ऐसे दिखाए हैं कि कोई एक आदमी है या फिर हम सब है जो एक ऊंचे पहाड़ में चढ़ाई कर रहे हैं। कर सकते, भूखा जानवर रह सकते हैं, तो उससे
क्या हो सकता है कि हम सबके चलने में रोग टोक आ सकता है, हम सबके चलने में रोग टोक आ सकता है और हम सबको अपना जो गोल है वो अचीव नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी हम सबको क्या करना है, आगे बढ़ना है, फिर भी हम सबको आगे बढ़ना है। तो शुरू करते हैं कविता को, सदैव व्रतो निरहि चरणम, सदा प्लस एव सदैव, इसे साथ संधि विच्छेद है, सदा प्लस एव सदैव, याद रखना है आपको बुद्धि संधि हुई है, सदा प्लस एव सदैव, उड़ाता हा प्लस निरहि उड़ातो निरहि, ऐसे लंबन ना ये सब कुछ रहता है, लंबन ना या फिर बल्कि जो मंच पर रहे वो रहता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरा डाल देते हैं, ये संधि का नियम है, आप सब क्लास से लेकर देखिए, उड़ाता हा निरहि उड़ातो निरहि, अगर हम लोग इसको अटैच करके हुई है, बिना ही वह यादम लगा रूप
बलम स्वीयम भवति साधना, अपना जो बल है अपने कर्मों के लिए आगे आगे करना है, अपने कर्मों के लिए आगे बढ़ना है, अपने बल विदाउट सेल्फ पावर, विदाउट सेल्फ पावर इट मे बी द मोटिवेशन कमिंग साइड, या किसी से दिया हुआ कुछ प्रेरणा हो सकती है, या किसी से दिया हुआ कुछ भी मतलब क्या है अनुप्रेरणा प्रेरणा गुड टॉक्स गुड सेल्स जिससे हम सबको एक इनाम मोटिवेशन मिला है वो हो सकता है। तो उसी को अपना बल अपना शक्ति बल अपनी शक्ति बनाकर उसको क्या है आगे बढ़ना, उसी को अपना शक्ति बनाकर उसी को अपना साहस बनाकर आगे बढ़ना बलम स्वयं भवति साधना, अपने बल को अपने शक्ति को भी अपना साधन अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना है। बलम स्वयं भवति साधनम सदैव गतो निधिरिंचरणम, एवरी टाइम गो फॉरवर्ड गो फॉरवर्ड सदैव गतो निधिरिंचरणम। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, मार्ग में जितने सारे पत्थर पाषाणाः स्टोन पेबल्स, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, विषमाः कड़वी वेरी कड़वी बहुत टेढ़े मेढ़े है, पत्थर तो होते ही है टेढ़े मेढ़े और रॉक्स जो होता है वो तो और टेढ़ा मेढ़ा होता है। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, विषमाः मतलब टेढ़े मेढ़े और प्रखराः मतलब नुकी के साथ, द स्टोन्स ऑफ दिस ऑफ दैट वेरी माउंटेन आर वेरी कड़वी एंड वेरी शार्प। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, ये जो मार्ग है मतलब ये जो पर्वत आरोहण करने का चढ़ाई करने का जो मार्ग है वो कैसा है, विषमाः, विषमाः मतलब क्या है उबर खाबर है, और प्रखराः मतलब नुकीले, हिंसाः पशवः परितो घोराः, हिंसाः पशवः मतलब क्या है कि हिंसक पशु, हिंसक मतलब क्या हो सकता है मतलब बाघ हो सकते हैं चीता हो सकते हैं फिर शेर हो सकते हैं, तो हिंसा पशवः परितो घोराः चारों हिंसक पशु जो सब है क्रूयल एनिमल वो सब छाए है चारों, फेरोसस एनिमल सब छाए मतलब क्या है छाए हुए हैं चारों हमारे रास्ते में, ये सब आ सकते हैं मतलब ये सब रास्ते के अड़चने हैं, नुकीले ऊपर खावर पत्थर हिंसक पशु ये सब हो सकते हैं हमारे जो ये पर्वत आरोहण करने का अपने गोल पैचिंग करने के रास्ते में प्रतिबंधक रोग ये सब हो सकते हैं। सुदुष्करम खलियत कभी गमनम, गमन करना क्या होता है चलना, सुदुष्करम खलियत कभी गमनम मतलब ये जो चलना है बहुत कष्टदायक है ना बहुत कठिन है ना, सूर्य उपसर्ग है और ये दूर इससे बना है दुष्करम, ये बना सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम यानी चलना बहुत कठिन है सदैव पुरतो निधिः चरणम, लेकिन फिर भी अपना जो चरण है उसको आगे रखो। जहि हि भीति भजवत शक्ति, अपना जो भय है भीति मतलब डर भय उसको छोड़ दो, जहि हि में होहा त्यागे ये धातु है त्याग करने के अर्थ में, त्याग करने के अर्थ में तो उसमें जहि ये प्रयोग हुआ है विधिलिंग आकार का ये प्रयोग है, जहि जहि भीति मतलब क्या है अपना जो डर है अपना डर जो है उसको छोड़ दो, जहि भीति भज भज शक्ति अपना जो शक्ति है उसको क्या है स्मरण करो भज भज मतलब क्या अपना जो शक्ति है उसको स्मरण करो जस्ट मेमोराइज व्हाट कैन एंड हाउ मच यू कैन डू, भज भज शक्ति विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्ति, तथानुरक्ति जो है यहाँ पे राष्ट्र तथा प्रति विधेयक की और जो राष्ट्र है उसमें अपना जो क्या है विधेयक ही राष्ट्र तथा
तभी हमारे जो लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करने के बारे में बता रहे हैं कि हम सबको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और लक्ष्य का जो रास्ता है बहुत लंबा है, लक्ष्य का रास्ता वहां हम लोग को कोई चढ़ा देगा, इसके लिए कोई यान वाहन नहीं है, यानी कोई संसाधन नहीं है। हमारे लक्ष्य को अपने आप हम सबको प्राप्त करना है। और पथ में मार्ग में क्या है, हम सबको बहुत सारे अड़चन आ सकते हैं, हिंसक पशु फिर क्या है कि नुकीले पत्थर, ये सब यहाँ पे क्या है बस उदाहरण देने के लिए बताया गया है। यानी हमारे जिंदगी के रास्ते में बहुत सारे अड़चन आ सकते हैं, लेकिन हम सबको फिर भी हम सबको लक्ष्य प्राप्त करना है। और क्या है, और बताया है अपने अंदर जातीयतावाद है, अपने अंदर जो नेशनलिज्म है कि देश के प्रति भक्ति, देश के प्रति अनुरक्ति, देश में अनुरक्त दिखाना, हाँ, और देश का जो भला है उसी के बारे में सोचना, और अपना जो मोटो है, अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, उसी के बारे में सोचना। तो यही कवि बताते हैं सदैव तुरकुंडी चरणम, इस कविता के सुंदर भास्कर वर्णेकर जी। तो आप सब इस कविता को अच्छे से पढ़े और अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।